सर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा लग रहा है आज बहुत आपको? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा कि हम लोग ऐतिहासिक इस जगह पे खड़े हैं और इतने निर्माण करवाए हैं इसे। आपके कितने कारीगरों ने, कितने वर्कर्स करीब ने चार सौ काम पांच सौ किया? 400 थे वर्कर, और यह तो 2,500-3,000 आदमी काम करते, और भी पार्टी होंगे थे। 24 आवर्स काम हुआ है, 24 आवर्स वर्क वॉज गोइंग ऑन हियर। We are feeling proud because we work here and every person is looking what's going on here and what type of work done by our team and I told they can come and can see how we can work here. There was no off during COVID. COVID में भी काम किया है पूरा? काम पूरा चलते रहा, कोई छुट्टी नहीं, कोविड हो कुछ भी हो सब में काम चलते रहा। ऐसा क्यों हुआ कि नो छुट्टी ओनली वर्क? ये था उमंग था कि मोदी जी का साइड है, कोई सरकार की तरफ से सहयोग मिला, राशन खाना पीना मिला, 3 टाइम खाना कंपनी दे रहा था, कंपनी 3 फ्री खाना। चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट वर द चैलेंजेस, क्या चुनौती? चैलेंजेस था उसको हम लोग स्वीकार कर लिया और काम करके पूरा कर दिए, कंप्लीट कर। चैलेंजेस कोई भी काम के लिए चैलेंजेस होता है, लेकिन हम लोग उस स्वीकार किए और कामयाबी तक पहुंचा दिया उसको। देयर वर्क, देयर एफर्ट, देयर हार्ड वर्क टुडे फॉर द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट एंड दीज आर ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल मूवमेंट। सो लेट्स आस्क देम एट लास्ट दैट हाउ इज द जोश फॉर यू ऑल टुडे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बंदे मातरम। हमारे साथ वो मूर्तिकार हैं नरेश जी कुमावत, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की ऐतिहासिक प्रतिमा गढ़ी है अपनी पूरी टीम के साथ मिलके। कितना चुनौती भरा रहा ये सफर, हम नरेश जी से बात करते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है जीवन में। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस मूर्ति का मॉडल बनाने का अवसर मुझे मिला। पिछले 8-10 महीने से हम इसके ऊपर कार्यरत थे, काफी सारे मॉडल हमने बनाए और काफी सारे मॉडल बना करके उनमें से हमारे मॉडल का जो चयन हुआ, उस मॉडल के आधार पर स्कल्पचर आर्टिस्टों ने मिलकर के, कलाकारों ने मिलकर के इस मूर्ति की घड़ाई की और आज ये सपना साकार होने जा रहा है। भाग्यशाली हूँ इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए। नेताजी की प्रतिमा, नेताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व से तो नई पीढ़ी और सारे लोग परिचित हैं। नेताजी को देखने वाले, जिन्होंने उनको देखा है, ऐसे कुछ गिने चुने लोग ही रह गए, तो उनकी शक्ल से हूबहू मैच करे ये मूर्ति, उसके लिए कितनी चुनौती रही, कितने लोगों से मिले, कितना रिसर्च किया? काफी सारी फोटोग्राफ्स हमें मिले, काफी सारी चीजें हमें एनजीएमए से मिली। उसके साथ ही नेताजी के जो भतीजे और उनके परिवार वाले हैं वो मेरे स्टूडियो पर काफी बार आए और उनकी मदद से, उनकी सहायता से, ब्रिगेडियर चिकारा जैसे लोगों की सहायता से हमने इस मूर्ति को उकेरा। इसमें कितना, किस मटेरियल की है, कितनी वजनी है, कितनी लागत आई है, ये सब कुछ? मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। मेरा काम क्ले मॉडलिंग का था, मैंने क्ले मॉडलिंग किया और ग्रेनाइट की कार्विंग दूसरे कारीगरों ने की। कितने लोगों ने मिलकर, विशेषज्ञों ने इस मूर्ति को अलग अलग तरह से सजाया? काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, एनजीएमए के अद्वैत गणनायक साहब से लेकर के और काफी कारीगर और काफी लोगों ने मिलकर के इस काम। कितना समय लगा इसे करने? लगभग पिछले 4-5 महीने से हम इसी काम में लगे थे।